नमस्कार, मैं हूं राज पांडे। आप देख रहे हैं सीएन न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मिर्जापुर कछावा कृषि विभाग की तरफ से 3 दिवसीय विराट किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साहू ने किया उन्होंने प्रेस वालों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्ध किसान बनाना है और इसकी आय को दुगनी ही नहीं त्रिगुनी और चौगुनी बढ़ानी है। हम वो उपलब्ध कराएं जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाई जा सके। किसानों को क्या बिजली मुफ्त देने जा रही है सरकार? क्या देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी उनके मार्गदर्शन में जो बजट रखा है भारत सरकार ने, उसमें किसानों को स्वावलंबी बनाए जाने की दृष्टि से कुसुम योजना के अंतर्गत 20 लाख सोलर पंप लगाए जाने का प्राविधान इस बजट के भीतर किया गया है और उत्तर प्रदेश को बड़ी हिस्सेदारी उसमें से मिलेगी, जिसके माध्यम से किसानों को बिना बिजली के वो खुद सोलर पंप से बिजली पैदा करेंगे, अपने खेतों का वो सिंचाई करेंगे और सिंचाई करने के अतिरिक्त जो सरप्लस बिजली होगी वो ग्रिड के साथ जोड़ करके वो उससे कमाई भी कर सकें, उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। यह कुसुम योजना के भीतर इस बात का प्राविधान किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारा लखनऊ में कृषि कुंभ हो रहा था 2018 अक्टूबर में, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि अब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है, ऊर्जादाता बनना है और ऊर्जादाता बनाए जाने की दृष्टि से जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और इसमें सोलर पंप के लिए कृषक का जो अंश होगा पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रहा है, इसलिए उनको सुविधा भी हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि किसान भाई कुसुम योजना के भीतर आने वाले सोलर पंपों का इस्तेमाल करके अपने खेती के उत्पादन को बढ़ाए जाने में योगदान दें, उनकी लागत घटेगी और उपज भी उससे बढ़ेगी। सर केंद्र सरकार